नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। उसी 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ रहे थे, दो वीडियो हो गया है, ये तीसरा और आखिरी वीडियो है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों उसको मैं पार्ट वाइज आपको पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप समझ जाइए। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, मानता हूं कपड़ा वही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे दोस्त, चाहे जो एग्जाम, चाहे वनडे हो, चाहे वो सिविल हो, सिविल तो नहीं कहूंगा, चाहे पीसीएस हो, क्योंकि जो खंड शिक्षा अधिकारी दे रहे हो शायद पीसीएस भी फॉर्म भरे हैं, तो मेरी तरफ से अगर उन्हें कुछ सहायता हो जाएगी इसी टॉपिक से तो इससे बड़ा मेरे लिए खुशी की बात और कोई भी नहीं रहेगी। तो हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे और हमने क्या क्या पढ़ा कि शुरुआत कैसे हुई, कारण क्या थे, कहां पर कौन नेतृत्व करता थे, ठीक। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इतिहासकारों के मत संबंधित पुस्तकें। कारण बता ही चुका था, असफलता के कारण आपको बताऊंगा और इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बताऊंगा, फिर प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। जैसे एक बार रिवाइज करवा देते हैं आज की क्लास में आपको, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि दिल्ली में नेतृत्व करता थे बहादुर शाह बख्त खां जीनत महल, दमन करता था हटसन, लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, दमन करता था कैंपबेल, ठीक। कानपुर में थे नाना साहब तात्या टोपे, दमन करता था कैंपबेल। झांसी में थी लक्ष्मीबाई, दमन करता था यूरोज। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, दमन करता था यूरोज। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली थे, दमन करता था कैंपबेल। गलत था ये, हमने आपको पहले कहा था यहां पर कैंपबेल नहीं होगा, इसके जगह क्या होगा, कर्नल नील होगा, ठीक। उसके बाद फिर इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था फैजाबाद, यहाँ पर थे अहमदुल्ला, इसका जो जमन दमन करता था वो था जनरल रेनॉल्ड, कौन था, जनरल रेनॉल्ड। बरेली में थे कान बहादुर खान, जिसके दमन करता थे विंसेंट टायर। जगदीशपुर में थे वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह, वीर कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा गया और सबसे दीर्घजीवी विद्रोह जगदीशपुर का विद्रोह था। और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम जो महिला थी वो बेगम हजरत महल थी, और यहां पर इनको वीर कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहते हैं। बिहार में सबसे पहले ये दानापुर में चालू हुआ था ये विद्रोह, और इसके दमन करता थे विलियम टेलर। इसके साथ साथ हमने कुछ और भी चीजें आपको बताई थी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नेतृत्व करता थे। मेरठ में थे कदम सिंह, गोरखपुर में गजाधर सिंह, असम में मणिराम दत्त, कंद परेश्वर और पियाली बरुआ, मथुरा में देवी सिंह, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही उज्जवल शाही, राजस्थान में जयदयाल हरदयाल, ठीक। राजस्थान में इस विद्रोह की शुरुआत कोटा से हुई थी। कुल्लू में प्रताप सिंह वीर सिंह, उसके बाद महाराष्ट्र में रंगो बापूजी, मद्रास में अरनागिरी कृष्णा, केरल में विजय कुदारत, बानाजी कुदारत और कुंजी मामा, फतेहपुर में अजीमुल्ला जो कि नाना साहब के सहायक करता थे, और कश्मीर में गुलाब सिंह और मंदसौर में मुगल खानदान का था फिरोज शाह। एक और खास बात आज आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, समझ, देखिए दोस्तों, सती चौरा कांड हुआ था इसी विद्रोह के समय, समझाते हैं आपको। देखिए, नाम लिखा है, नाम से मतलब नहीं है। क्या हुआ था कि सती चौरा कांड या बीबीगढ़ कांड हुआ था 1857 के विद्रोह के दौरान। अब वो था क्या, ये सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि वो था क्या, हुआ क्या है कि फतेहपुर में अजीमुल्ला थे, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे थे, और अवध की बेगम हजरत महल जो थी, अवध की रानी, वो भी कानपुर चली गई थी। तो वहां पर क्या हुआ कि जब क्रांतिकारी और विद्रोहियों की जो तादाद थी वो जब बहुत ज्यादा होने लगी, तो सर व्हीलर जो समय का अंग्रेज था, इसने सरेंडर कर दिया, ठीक, नाना साहब के सामने सरेंडर कर दिया। और इसने सरेंडर करने का कारण था कि इसके साथ महिलाएं और बच्चे कुछ ज्यादा थे, उनको कोई आहत ना हो इसीलिए इसने सरेंडर किया। कहा जाता है कि सती चौरा जो गंगा, एक गंगा घाट के किनारे स्थित स्थान है, जब उनको सती चौरा या उनको कानपुर से गंगा नदी के सहारे इलाहाबाद भेजा जा रहा था, कहां पर, इलाहाबाद, तो सती चौरा नामक स्थान पर विद्रोहियों ने पूरे के पूरे अंग्रेजों की हत्या कर दी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके साथ साथ कुछ विद्रोहियों ने बीबीगढ़ में भी महिलाओं और बच्चों की हत्या की। और सती चौरा कांड या बीबीगढ़ कांड का पूरा जो इल्जाम था, क्लेम था,
वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब जी पर गया। किस पर गया? नाना साहब जी पर। और नाना साहब जी ने इस बात को डिनाई किया, इस बात को मना किया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की एकदम जानकारी नहीं थी कि विद्रोहियों ने ऐसा कुछ किया, या कानपुर से इलाहाबाद कुछ अंग्रेज महिलाएं और बच्चे नाव पे सवार होकर जा रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने नाना साहब के चरित्र को खराब करने के लिए उन पर इल्जाम दिया। लेकिन उस नाव में एक महिला मौजूद थी जिसका नाम था हाल्टे स्टेट। क्या नाम था? हाल्टे स्टेट। हाल्टे स्टेट ने यह कमेंट किया कि 108 लोगों को नाव पर चढ़ाकर सही सलामत इलाहाबाद पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था वो नाना साहब था। नाना साहब ने स्वयं मेरी सहायता की है, इसीलिए मैं कभी इस बात का डाउट नहीं कर सकती कि सती चौरा कांड या बीबीगढ़ कांड में नाना साहब का हाथ था। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि सती चौरा कांड क्या था या बीबीगढ़ कांड क्या था, तो आप कहिएगा कि कुछ विद्रोहियों ने कानपुर से इलाहाबाद आ रहे अंग्रेज महिलाएं बच्चों को सती चौरा नामक गंगा घाट के किनारे उनकी हत्या कर दी, और जिसका पूरा का पूरा क्लेम किस पे गया? नाना साहब पे। और आपसे अगर पूछा गया कि सती चौरा कांड का इल्जाम किस पर था, तो आपका आंसर क्या होगा? नाना साहब होंगे। और अगर ये पूछ दिया गया कि किसने नाना साहब का समर्थन किया है कि वो इस कांड के हिस्सेदार नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक महिला थी, हाल्टे स्टेट। ये था 1857 के विद्रोह की शुरुआत और नेतृत्व करता। ठीक, इसकी जो असफलता का कारण था, कई कारण थे। इसकी असफलता के कारण को हम समझते हैं। पहला कारण तो ये था जो मैंने अभी परसों की क्लास में आपको बताया कि जो इनके नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर, उसकी उम्र लगभग कितनी थी? 82 वर्ष। तो पहली असफलता का कारण था बहादुर शाह द्वितीय की उम्र का होना 82 वर्ष, जो कि इतनी उम्र किसी भी नेतृत्वकर्ता की रहेगी तो वो खुद को नेतृत्व करेगा या इस समाज को नेतृत्व करेगा। दूसरा कारण क्या था? ये जो विद्रोह था ये संगठित रूप से नहीं हो पाया। कैसे नहीं हो पाया दोस्तों? संगठित रूप से। कारण क्या था कि विद्रोह की जो तिथि निर्धारित की गई थी वो निर्धारित की गई थी 31 मई 1857 को, लेकिन आंतरिक कला की वजह से यह विद्रोह 29 मार्च को चालू हो गया। फिर दिल्ली पर पैदल टुकड़ियों ने कब्जा कर लिया था। और दूसरा कारण क्या हुआ कि यह विद्रोह जो था यह संगठित रूप से नहीं चालू हुआ। तीसरा जो इसका कारण बनता है कि इस विद्रोह का जो प्रभुत्व था, ठीक, ज्यादातर केवल उत्तर भारत में था। ठीक, कहां पर था? उत्तर भारत में। अगर इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे तो कहां पर था? अवध के क्षेत्र में था। क्योंकि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था आपसे कि अगर आपसे सवाल पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक किस क्षेत्र के सैनिकों ने अपनी भागीदारी दी, तो आपका आंसर क्या बन रहा था? अवध के सैनिक। तो मुद्दा यह है, अवध के सैनिक, मुद्दा यह है कि इस विद्रोह का ज्यादातर जो प्रभुत्व था वो भारत के उत्तरी हिस्से में ही था। बाकी सब जगहों पर लोग अपने अपने का स्वार्थ के लिए अंग्रेजों के लिए विद्रोह कर रहे थे या अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर रहे थे। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है कि जितने भी ज्यादातर रजवाड़े और अमीर वर्ग के जो लोग थे उन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता नहीं की, अंग्रेजों की सहायता की। वो इस विद्रोह के अपोजिट में थे और वो क्या करते थे कि अंग्रेज का समर्थन करते थे। अगर आपसे पूछा गया कि क्या बुद्धिजीवी वर्ग इस विद्रोह में हिस्सेदारी किए, तो वो केवल एक दिखावे के लिए थे, एक तटस्थ रूप में थे कि हाँ मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन वो इस विद्रोह में अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से नहीं निभाए। यही नहीं, इसमें पंजाब के नवाब, पंजाब के जो राजा महाराजा थे, ग्वालियर के राजा महाराजा थे, दक्षिण भारत के राजा महाराजा थे, उन्होंने सबने अंग्रेजों की सहायता की। इसी में एक सवाल बनता है कि 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक सहायता अंग्रेजों की किसने की थी? क्या 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किसने की थी? तो आपका आंसर क्या बनता है? ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने। यही 100% आपका आंसर है। ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने
1857 के विद्रोह में हमारे क्रांतिकारियों की सहायता ना करके अंग्रेजों के साथ थे। इसके साथ साथ कहा जाता है कि अगर सिंधिया, मराठा, गोखले, भोसले ये सब अगर विद्रोहियों के साथ होते तो शायद 1857 के विद्रोह का रिजल्ट कुछ और होता। तो आपको ये 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण बनता है। तो आपसे कभी भी पूछा गया कि 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था, तो आपका आंसर होगा पहला तो बहादुर शाह की उम्र, दूसरा संगठित रूप से यह विद्रोह नहीं चल पाया, तीसरा इस विद्रोह का सर्वाधिक प्रभुत्व उत्तर भारत में था, चौथा कि इसमें जो रजवाड़े थे, बड़े बड़े लोगों थे, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की और जिसमें अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाले जो थे वो थे ग्वालियर के सिंधिया, और यही आपका आंसर बनेगा। अब हम जैसे बुक में जो शुरुआत होती है, बुक में शुरुआत करते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मतों से, लेकिन पहले मेरा ये मानना है कि पहले हम विद्रोह करा लें तब लोगों के मत जाने। भाई सीधी सी बात है, एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद हम अपनी त्रुटियां निकालते हैं, ना कि एग्जाम के पहले। अगर एग्जाम के पहले हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को पहचान लें तो हमारा सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इतिहासकारों के जो मत है ये स्पेशली याद रखिएगा अपने हायर लेवल एग्जाम के लिए, वनडे के लिए नहीं। वनडे में एक दो सवाल आरसी मजुमदार से बार बार पूछा जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हायर लेवल एग्जाम के लिए स्पेशली अपने पीसीएस वगैरह के लिए इस पर ज्यादा फोकस करिएगा कि 1857 से जुड़े हुए इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है। तो पहले मत की बात हम करें तो 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ये लाइन पीसीएस में 3 बार पूछी गई है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में 1 बार, बिहार पीसीएस में 2 बार, उत्तराखंड पीसीएस में 1 बार, आईएएस 2002 में, और उसके साथ साथ 1 बार राजस्थान पीसीएस में। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और या ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस लाइन को जिसने व्यक्त किया वो थे आरसी मजुमदार। इनकी नजर में यह विद्रोह जो था ना ही प्रथम विद्रोह था, भाई ये बात तो सही है क्योंकि इसके पहले भी कई जनजाति विद्रोह, सैनिक विद्रोह हो चुके थे, ना ही राष्ट्रीय था क्योंकि इनका यह मानना था कि यह विद्रोह अपने स्वार्थ के लिए हुआ था, ना कि राष्ट्रहित के लिए हुआ था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, और ये लेकिन ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, इसका भी वही रीजन आता है कि यह विद्रोह छोटे पैमाने पर अलग अलग जगहों पर लड़ा गया। अगर ये स्वतंत्रता के लिए लड़ा जाता तो संपूर्ण देश की इसमें भागीदारी होती। लेकिन इनकी बात का खंडन भी दादा भाई नौरोजी कर देते हैं, क्योंकि हम अपने देश का इतिहास पढ़ रहे हैं, अपने भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमेशा हमें अपने देश को आगे लेके चलना है। अपने देश के बारे में जो अच्छी बातें केवल वही जाननी है, बुराइयों को जो है उसको सुधारना है, उसको किसी के सामने कहना नहीं है। तो 18 जो आरसी मजुमदार जी का जो मत था कि 1857 का, दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा साथ साथ मेरे, 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और या ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, इसको किसने कहा था, आरसी मजुमदार ने। अगले मत पे आते हैं, यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिजरेली भारत का सचिव, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री भी था एक समय के लिए, तो इसने ब्रिटेन के संसद भवन में, याद रखिएगा दोस्तों कभी पूछा गया आपसे कि ब्रिटेन के संसद भवन में किसने कहा था कि यह जो विद्रोह था ये राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह, तो आपका आंसर होगा बेंजामिन डिजरेली। क्या होगा, बेंजामिन डिजरेली, ये एक यूरोपीय थे, ब्रिटेन के थे, इन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि पूरे देश की भागीदारी थी, ना कि सिपाही विद्रोह था। ये बात एकदम सही है क्योंकि इसमें सिपाहियों के अलावा आम जनता भी इस विद्रोह में क्या बनी थी, भागीदारी बनी थी। अगला जो मत है, यह पूर्णतः देशभक्ति रही स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। भाई सीले किस मूड में कहे हमको पता नहीं, ये भारत के है ना इसलिए इनकी बातों को हम नहीं जानना चाहते। इन्होंने कहा कि ये जो सिपाही विद्रोह था ये अपने स्वार्थ के लिए लड़ा गया। ठीक, सिपाही जो थे वो अपनी पेमेंट को लेकर लड़े कि भाई मेरी सैलरी इतनी कम है, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं सही थी इसके लड़े, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था, काला काला बोलकर उनको चढ़ाया जा रहा था, इसके साथ साथ
उनको चर्बी युक्त कारतूस और टोपी पहनने के लिए मजबूर किया गया, तो वो अपनी चीजों को पाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। इस बात को सीले ने कहा था, ये आज तक कभी नहीं पूछा था ना पूछा जाएगा। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इस लाइन को जॉन लॉरेंस ने कहा है। देखिए, ये लाइन हम शुरू में ही कह दिए हैं कि ये हम लाइन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस विद्रोह में आम जनता की भी भागीदारी रही है, रजवाड़ों की भी कुछ भागीदारी रही है, और उसके साथ साथ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी जुड़े थे। तो इसको हम ये केवल और केवल सिपाही विद्रोह कहना ये उचित नहीं होगा, केवल और केवल सिपाही विद्रोह कहना उचित नहीं होगा। अगले मत की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो मत था, ये मत बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, याद नहीं याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। गौरव पांडे पहली बार कह रहा होगा ये बात कि दोस्तों याद करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वीडी सावरकर, मतलब विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। इनका यह कहना था कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, मतलब हम अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए एक संगठित रूप से इस विद्रोह को शुरुआत किए थे। लेकिन यहीं पर इनकी लाइन ये गलत हो जाती है, क्योंकि यह विद्रोह 31 मई को होने वाला था जो कि 29 मार्च को प्रारंभ हो गया। ये जो था, जो सुनियोजित तो था, लेकिन सुनियोजित रूप में यह विद्रोह क्या हुआ, चल नहीं पाया। अगला जो मत है यह था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। इसको जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा है। उन्होंने ये लाइन इसलिए कही होगी, ये वाली लाइन, कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह लाइन शायद उन्होंने इसीलिए कही होगी क्योंकि जिहाद को आधार बनाकर भी इस विद्रोह को चलाया गया, जो कि फैजाबाद में अहमदुल्ला ने चलाया था। हमने आपको बताया था फैजाबाद में किसने चलाया था, अहमदुल्ला ने, जिनके ऊपर 50,000 का इनाम था। अगला जो मत था कि श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष, ये जो जेकेई है, ठीक, कौन जेकेई, ये गोपनीय विभाग के कर्मचारी अधिकारी थे अंग्रेजों के, और ये हमको काला काला कहकर इंट्रोड्यूस करते थे। यार दोस्त, हमारी जलवायु वैसी है तो हमारी शरीर तो स्किन तो वैसे होगी ही भाई, तुम बर्फ में रहते हो तब भी खाना मांगने के लिए हमारे यहाँ आते हो, मसाले के लिए हमारे यहाँ आते हो, और हमें ही काला कह रहे हो। तो मुद्दा क्या है कि इन्होंने कहा श्वेतों, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध काले का संघर्ष, मतलब हमारा संघर्ष, हमने संघर्ष किया अपने लिए। उसके बाद आर रीस, इन्होंने कहा था ईसाइयों के विरुद्ध यह धर्म युद्ध है। क्या? ईसाइयों के विरुद्ध यह धर्म युद्ध है, क्योंकि अहमदुल्ला ने कहा था हिंदू मुस्लिम जागो, एक हो जाओ और ईसाइयों को यहां से बाहर निकाल दो, क्योंकि अंग्रेजों का एक ही चीज, एक ही मोटो था कि संपूर्ण भारत को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। वो उसको एक ईसाई राष्ट्र बनाना चाहते थे, क्योंकि यही रीजन है कि दक्षिण भारत में कई लोग जो हैं वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। और आपको पता होगा, आपके संविधान वाले सर बताएंगे कि एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, धर्म की स्वतंत्रता जहां पर है 25 से 28 के अनुच्छेद में, कि कभी भी किसी प्रलोभन के आधार पर आपका धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और यहाँ के ईसाई लोग कहते थे कि हम आपको अपने देश का वीजा देंगे, रोजगार देंगे, हर महीना पैसा देंगे, वगैरह वगैरह, आप हमारे धर्म में परिवर्तित हो जाइए। यही रीजन था कि भारत को ये ईसाई धर्म युक्त देश बनाना चाहते थे, तो जिसकी वजह से लोग इस धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसको कहने वाले कौन थे? एल आर रीस। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और लिख भी लिया होगा। अगला जो मत है, इतने ही मत दोस्तों आपके लिए जरूरी है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी 8 मत में से आपको सवाल आएगा
और इसी आठ ही मत में से आपको सवाल पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं। इस बात का दावा गौरव पांडे कर रहा है क्योंकि गौरव पांडे पढ़ाने से पहले इतिहास के 35,000 से 40,000 सवाल सॉल्व करते हैं। चाहे सफाई कर्मचारी का एग्जाम हो तो भी हम सॉल्व करते हैं, चाहे वो आईएएस का हो तो भी हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उनसी ऐसी चीज है जो हमारे पास से निकल रही है जिसको हम ग्रहित कर ले, क्योंकि ज्ञान हर जगह बट रहा है, लेने लेने के ऊपर है। संबंधित पुस्तकें, यहां से भी सवाल आता है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये दो ठो बनता है, कौन कौन सा? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट और 1857 एक और किताब है, नेक्स्ट पेज में समझाते हैं। वीडी सावरकर ने, जैसा कि आपने इनका मत देखा, इन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, और इसीलिए इन्होंने जो किताब लिखी वो कहा गया द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लेखक कौन है? वीडी सावरकर। ठीक, कौन है? वीडी सावरकर। उसके बाद जो है द पीजेंट एंड द राज, इस किताब को लिखने वाले थे एरिक थॉमस स्टोक्स। ठीक, कौन थे? एरिक थॉमस स्टोक्स। किताब महत्वपूर्ण नहीं है, ये किताब जरूरी है। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, ये सवाल पीसीएस में आया था। ठीक, पीसीएस में आया था, आईएएस में भी दो बार आ चुका, दो बार ये सवाल आप देख लीजिएगा, उसके साथ साथ वनडे में भी ये सवाल पूछा गया था। तो 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट के लेखक कौन है? वो है अशोक मेहता। अगली जो किताब है आरसी मजुमदार ने लिखी है वो है द सिपाही म्यूटिनी होगा दोस्तों, क्या? म्यूटिनी, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगली किताब है 1857। ये किताब क्यों जरूरी है समझिएगा। बात क्या था कि आरसी मजुमदार को पहले भारत सरकार के द्वारा भारत के इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन इनके और अधिकारियों के बीच में कुछ मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया, जिसके बाद इस पद को संभाला एस एन सेन ने। आपसे कभी पूछा जाएगा कि भारत के स्वाधीनता संग्राम के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा एस एन सेन होगा। और ये किताब 1857 जब उनको भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया तो उन्होंने हमारे फेवर में एक किताब लिखी जिसको हम किस नाम से जानते हैं? 1857 के नाम से। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो है द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया। इसके लेखक है जॉन विलियम कार्वे। कौन है? जॉन विलियम कार्वे। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी जो किताब है वो ये है, क्या? असबाब ए बगावते हिंद। इसके लेखक है सैयद अहमद खां, और इसी किताब को एक और नाम से जानते हैं। आपको इस बार एमटीएस में ये सवाल आया था दोस्तों, इस किताब को देखिए, द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसी किताब को जो इंग्लिश भाषा में कहा गया द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, और इसको सैयद अहमद खान ने लिखा था असबाब ए बगावते हिंद, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय सर सैयद अहमद खान को बिजनौर का अमीन नियुक्त किया गया था। अमीन का एग्जाम होता है आप लोगों का, तो आप समझिएगा। और यही नहीं, ये भारतीय भाषा अर्थात हिंदी भाषा में 1857 के विद्रोह के बारे में लिखी गई सर्वप्रथम पुस्तक है। तो आपसे कभी भी पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के बारे में हिंदी भाषा में लिखी गई सर्वप्रथम पुस्तक कौन है, तो आपका आंसर होगा असबाब ए बगावते हिंद। लेकिन अगर इस किताब को थोड़ा घुमाकर पूछ दिया गया कि द कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये किसने लिखा है, तो आपका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। और ये आपसे पूछ लिया गया कि निम्न में से वह कौन सा पुस्तक लेखक है जो 1857 के विद्रोह के समय
बिजनौर का अमीन था, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सैयद अहमद खां। तो ये थे इतिहासकार के मत और ये थी किताबें जो कि जरूरी हैं, पूछ ले जाएंगे आपके एग्जामों में। अब जैसा कि हम एक काम करते हैं हमेशा कि सवाल सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर 1857 को यहां पर समाप्त कर दे तो शायद ये आपके साथ नाइंसाफी होगी और मैं भी आपके साथ नाइंसाफी करूंगा और अपने प्रोफेशन के साथ भी नाइंसाफी कर दूंगा। हुआ क्या था कि 1857 के विद्रोह में चाहे जिसने कुछ भी कहा हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का एहसास जरूर हो गया कि भारतीय कमजोर नहीं है, ये मौका मिलने पर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। यही रीजन है कि 1857 के विद्रोह के बाद एक अधिनियम आया जिसे 1858 का अधिनियम कहते हैं। अधिनियमों के बारे में बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि इस विद्रोह से इसमें कुछ रिलेट है इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो क्या आया, 1858 का अधिनियम आया। पहली बात जो 1858 के अधिनियम के तहत कही गई वो ये थी कि, समझिएगा, वो ये थी कि अंग्रेजों की समस्त शक्तियां कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली जाएगी। मतलब इस अधिनियम के तहत जो क्या हुआ कि घोषणा पत्र आया इस विद्रोह के बाद, 1858 का अधिनियम आया और रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, और इस घोषणा पत्र को 1858 में इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। जो इलाहाबाद वाले हैं वो मिंटो पार्क का नाम सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होंगे, इस समय ये किसी और चीज का पार्क बन गया है, वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। तो क्या था कि जो 1858 अधिनियम में जो घोषणा पत्र आया उसको कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा और उसने कहा कि अब से अंग्रेजों की समस्त शक्तियां कंपनी के हाथों से निकलकर, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली जाएगी। क्राउन मतलब राजा। और इस समय अगर किसी ने आपसे पूछा कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी तो आंसर होगा रानी विक्टोरिया। या आपसे किसी ने पूछा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तो वो था विश्वकांत पामर्स्टन। कौन था, विश्वकांत पामर्स्टन। ठीक, जैसे प्लासी के, जैसे बक्सर के युद्ध या प्लासी के युद्ध समय विलियम पिट्स था, उसी प्रकार 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, विश्वकांत पामर्स्टन था। तो ये जो घोषणा पत्र आया तो इसमें पहली बात ये आई कि इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों की समस्त शक्तियां कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली जाएंगी। और दूसरी जो बात आई कि इसी अधिनियम के बाद से ही भारत के गवर्नर जनरल, कौन, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाएगा। ये पूछा जाता है सवाल कि किस अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहते हैं, या भारत का सबसे पहला वायसराय कौन था, या भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। तो समझिए, इस 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम आया जिसके तहत कंपनी की समस्त अंग्रेजों की समस्त शक्तियां कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई, और इसी अधिनियम के बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, और इस घोषणा पत्र को मिंटो पार्क में पढ़ा गया और पढ़ने वाला लॉर्ड कैनिंग था। इसीलिए भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कभी भी आपसे, क्योंकि 1857 के विद्रोह में पहली क्लास में हमने आपको दिखाया था 1857 का विद्रोह, जहां हेडिंग लगाए थे उसके बगल में हमने लिखा था, तो आपसे पूछा गया कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन एक और खास बात देखिए, रिलेट करके मैं पढ़ाता हूं आपको, आप लोगों को अच्छा भी लगता है, आपके फीडबैक आते हैं, मुझे काफी प्रसन्नता मिलती है। समझिएगा, गवर्नर जनरल के पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे जो 1773 के अधिनियम से हुए,
लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा गया? ये किस अधिनियम से हुआ? 1833 के अधिनियम से। किस अधिनियम से? 1833 के अधिनियम से। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने भारत में किस पर रोक लगाई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किस पर रोक लगाई दोस्तों? सती प्रथा पर। तो यहां से पूरा निष्कर्ष ये निकला कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम आया, जिसके तहत और इस घोषणा रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा, जिसके तहत कंपनी की अंग्रेजों की समस्त शक्तियां कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग बन गया। और 1833 के अधिनियम से भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की खास बात क्या है? किसने सती प्रथा पर पूर्ण रूप से क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। एक और खास बात हुआ, 1857 के विद्रोह के पहले क्या था कि जो सेना की औसत थी वो 1.5 थी, मतलब एक अंग्रेज सैनिक रहते थे और 5 भारतीय रहते थे। लेकिन इस विद्रोह के बाद पील आयोग का गठन हुआ। ठीक, दूसरे पेज से बता देते हैं। इस विद्रोह के बाद पील आयोग का गठन हुआ या पील कमीशन का गठन हुआ, जिसके तहत सैनिकों की औसत को 2:1 कर दिया, मतलब 2 भारत सैनिक रहेंगे और 1 अंग्रेज सैनिक रहेगा। क्योंकि भाई विद्रोह हुआ, अंग्रेज से ज्यादा तो भारतीय सैनिक ही भरे हुए थे, इसीलिए विद्रोह जो है काफी ही अच्छा हुआ। भले हमें स्वतंत्रता नहीं दिला सका, लेकिन हमें स्वतंत्रता तक जरूर ले गया। इसीलिए कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि यह एक ऐसा विद्रोह था जो कुछ धर्म युद्ध के रूप में चालू हुआ और भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर आकर खत्म हो गया। भले इसका युद्ध की शुरुआत या विद्रोह की शुरुआत धर्म था, लेकिन इसने सभी को यह बताया कि अंग्रेज हमारे सामने कमजोर है, अगर हम एकजुट होकर खड़े हो जाएं तो हम जरूर अपने भारत को इनके चंगुल से छुड़ा सकते हैं। इसीलिए जब अंग्रेजों की आंख खुली तो उन्होंने पील आयोग का गठन कर दिया और उन्होंने सैनिकों का रेशियो कम कर दिया, जो कि 2:1 या 1:2 कर दिया, जिसमें जो 2 भारत सैनिक थे और 1 अंग्रेज सैनिक थे। पिछले 3 लेक्चर से लगातार आपको 1857 की क्रांति से मैं रूबरू करा रहा हूं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, चाहे आप प्री की परीक्षा दें या मेंस की दें। मेंस लिखने वाली चीज होती है, वो बाद में समझाई जाएगी। प्री के लिए आप कोई भी एग्जाम दे दें, पीसीएस तक दे दें, आईएएस में भी 70% गारंटी ले सकता हूं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपसे। तो अब जैसा कि मैं काम करता हूं कि हर टॉपिक खत्म होने के बाद उससे जुड़े हुए आपको सवाल कराते हैं, तो आइए 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल करते हैं। और दोस्तों, जो मेरे साथ देख रहा है या देख रही है, जो भी है, वो मेरे साथ साथ ही उत्तर देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब आप उत्तर देंगे तभी मुझे इस बात का एहसास होगा कि मैं अब मेहनत सफल है। आप मेरे वीडियो को आप देखें और उसके साथ साथ ये देखिए, आप चाहे तो अपना सॉल्ट पेपर बगल में खोल के रख लीजिए जब मैं प्रश्न कराता रहूं, या चाहे तो प्रैक्टिस सेट खोल के रख लीजिए आप, या जो भी आप जिस भी संस्था में पढ़ते हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, उनके क्वेश्चन पेपर को रख लीजिएगा। वो प्रश्न क्या देते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो मैं देता हूं वही वो देते हैं, क्योंकि मेरा देखकर सब देते हैं। तो समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, प्रश्न जो है। तो पहला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा गया है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो क्या था आप बताइए। ठीक, 1857 की क्रांति का या विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था वो था रोटी और कमल। क्या था? रोटी और कमल। कहीं पर चपाती और कमल भी मिले कंफ्यूज, मतलब चपाती माने रोटी होती है। अगला जो प्रश्न है कि 1800, हाँ ये बहुत कम लोग जानते हैं, 1857 के विद्रोह की निर्धारित तिथि क्या थी, मतलब डिसाइड कब किया गया था कि यह विद्रोह चलाया गया था? तो क्या आंसर है दोस्तों? 1857 के विद्रोह की निर्धारित तिथि थी
31 मई 1857, ये पहली क्लास में हमने आपको बताया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप देखिए दोस्तों, आप नोट्स भी बनाइए और मेरे साथ साथ देखिए, इसमें 20 से 25 प्रश्न होंगे, इसके पहले भी 20 से 25 प्रश्न है, उसके पहले 15 प्रश्न थे, फिर 15 प्रश्न थे, 70-80 प्रश्न हो गए कि नहीं हो गए अभी तक। ऐसे ही जब पूरा का आधुनिक खत्म होगा आपका, तो आपके पास मैं दावे के साथ कह रहा हूं, नहीं तो कम से कम 350-400 प्रश्न आपके पास रहेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मंगल पांडे किस छावनी के सैनिक थे? ठीक, तो मंगल पांडे जो थे वो 34वीं छावनी के सैनिक थे। किस छावनी के सैनिक थे? 34वीं छावनी के। हाँ, अभी मैंने आज की क्लास में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो वो कौन थे? S.N. Sen थे। कौन थे? S.N. Sen थे। ये IAS का सवाल है और बिहार क्विज़ में आया है, थोड़ा टफ है पर समझिएगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो आपका आंसर क्या है? S.N. Sen है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नाना साहब के, ये कल के लेक्चर में था कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे, तो कौन थे? वो थे तात्या टोपे थे। ठीक, जिनको, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और नाना साहब का वास्तविक नाम धोदू पंत था। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के सबसे युवा शहीद कौन था? ये बहुत ही रेयर किताबों में मिलता है, ये पॉइंट हो सकता है आपको दूसरों से बेहतर कर दे आप जिस भी संस्था में पढ़ते हो। ठीक है, हमेशा मैं आपको, ये संस्था टारगेट विद आलोक हमेशा आपको दूसरे से बेहतर बनाने का प्रयास करती है। तो 1857 के विद्रोह के सबसे जो युवा शहीद थे वो कौन थे? हेमू कलानी थे। कौन थे? हेमू कलानी। और इनको कहां पर फांसी दी गई थी? टोंक में। और टोंक कहां है? राजस्थान में है। तो कभी भी आपको पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के सबसे युवा शहीद को कहां पर फांसी दी गई, तो टोंक में। यह आपसे पूछा गया 1857 के विद्रोह के सबसे युवा शहीद कौन थे, तो आपका आंसर क्या है? हेमू कलानी है। अगला करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। 1857 के विद्रोह में जनरल विंडम को कहां पराजित किया गया, तो इसका आंसर होगा कानपुर। अभी हमने आज की क्लास में बताया कि जब कानपुर में विंडम को पराजित किया गया तो व्हीलर ने अंग्रेज महिलाओं और बच्चों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, और जहां पर सती चौरा या बीबीगढ़ का क्या हो गया था? कांड हो गया था। अगला पर, इलाहाबाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इस इलाहाबाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? लियाकत अली ने किया था। किसने किया? लियाकत अली। इन्होंने इलाहाबाद के साथ साथ और कहां पर नेतृत्व किया था? बनारस में किया था। कहां किया था? बनारस में। और इस विद्रोह का जो दमन करता था वो कौन था? कर्नल नील था। कौन था? कर्नल नील था। अगले प्रश्न पे आते हैं। मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आप में से कोई बता पाएगा? ये मैं कमेंट्स पढ़ूंगा कि मेरे बताने के पहले किसने लिखा, टाइम मुझे पता रहेगा। अब देखिए, जो लोग कल की क्लास नहीं देख पाए थे वो उनको ये आंसर मिलेगा। कहां से? देखिए, मद्रास, हमने क्या कहा था, ये सवाल IAS में आया था, तो मद्रास में किसने किया था? अर्णागिरी और कृष्णा ने। तो हम अपने प्रश्न पे चले, तो मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया दोस्तों? अर्णागिरी और कृष्णा ने। किसने? अर्णागिरी और कृष्णा ने। अगला जो प्रश्न है, साहब आलम बहादुर की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक, तो इसका आंसर मैंने पहली क्लास में बताया था, वो कौन था? बख्त खां था। और ये उपाधि दिया किसने था? वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं टॉपिक के बाद, तो आपको ये मत कभी दिमाग में आए कि मैं ये प्रश्न कहीं से कॉपी पेस्ट करता हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं, आए हुए प्रश्न को लिखता हूं। लेकिन इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि मेरे खुद के बनाए गए हैं।
मैंने लगभग इतिहास के ज्यादा कहना होगा, ये बात आपको यकीन नहीं होगा कि किसी भी विषय पर मेहनत क्या होती, हर चीज पर। खेती पर मेहनत करोगे तो अच्छी फसल देगी, स्पोर्ट्स में मेहनत करोगे तो अच्छे खेल खेल खेलकूद वाले बनोगे, ठीक है। अगर बुरी चीजों पर मेहनत करोगे तो आतंकवादी बनोगे, और अगर आप अपनी किताबों पर मेहनत करोगे तो आप खुद एक राइटर बनोगे, खुद एक शोधकर्ता बनोगे, इसलिए लोग पीएचडी करते हैं। लेकिन हम जो भी प्रश्न है, कई सारे ऐसे प्रश्न है जो मैं खुद बनाता हूं, इसीलिए मेरे पास लगभग 12,000 इतिहास के प्रश्नों का संग्रह पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ये आपके लिए नहीं, पहले मैं खुद के लिए पढ़ता हूं तब मैं आपको पढ़ाता हूं। रीजन क्या है ना दोस्त, अगर कभी भी कोई इंसान खुद के लिए करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से करता है, तो मैं जो खुद के लिए करता हूं वही मैं आपको देता हूं, क्योंकि आप और हम एक हैं, आप भी हमारी तरह बेहतर बने क्योंकि हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। अगला जो प्रश्न है, 1857 में सबसे दीर्घजीवी विद्रोह कौन था? तो हमने बताया था सबसे दीर्घजीवी विद्रोह जो था वो कौन सा था, जगदीशपुर का विद्रोह था। इसका नेतृत्व किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था, जिनको बिहार का सिंह कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, 1857 विद्रोह में किसने जिहाद मतलब धर्म को आधार बनाया? तो इसका आंसर था अहमदुल्ला। कौन थे? अहमदुल्ला, जिन्होंने कहां पर नेतृत्व किया था दोस्तों, मेरे साथ आंसर बताइएगा, वो है फैजाबाद। मैं चाहता हूं कि कहीं पर आप चौराहे पे या किसी संस्था में किसी दोस्त के सामने हो, सवाल पूछने से पहले आप उत्तर दे दें। हम मेहनत करते हैं और हम जानते हैं आप हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? ठीक, हमने आपको बताया था ये कल की क्लास में कि अजीमुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां किया था, तो इन्होंने किया था फतेहपुर में। कहां किया था दोस्तों? फतेहपुर में। और किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। किसके? नाना साहब के। तात्या तोपे भी उन्हीं के सलाहकार थे। अगला जो प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? ये इतिहासकारों के मत में मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है। तो सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वी डी सावरकर। कौन थे? वी डी सावरकर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, ये देखिए, ये प्रश्न मैंने बनाया है, आपको नहीं मिलेगा, आप खोज लीजिएगा। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम कब और किसने लाया? सामान्य सेना भर्ती अधिनियम के बारे में पहली क्लास में बताया था कि इस अधिनियम के तहत अंग्रेज जहां पर भी चाहे, जिस देश में चाहे, जहां पर उनको जरूरत होगी, वो भारतीय सैनिक को वहां भेज सकते हैं, जिसके कारण भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो इस अधिनियम को 1856 में लाने वाला जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कभी भी आपसे किसी ने पूछा कि सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, कभी किसी ने आपसे पूछा कि सामान्य सेना भर्ती अधिनियम कब और किसने लाया, तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने, जिसके शासनकाल में 1857 की क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। अच्छा, सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? यह पहली क्लास में बताया था, वो राज्य कौन सा था? हैदराबाद। और सहायक संधि किसकी थी? वो थी लॉर्ड वेलेसली की। किसकी संधि थी? लॉर्ड वेलेसली की। ये वनडे एग्जाम का बहुत ही फेवरेट सवाल है। हम वनडे पीसीएस आईएएस नहीं, हम बस आपको पूरा ज्ञान देना चाहते हैं, जिस एग्जाम में चाहे इस्तेमाल कर लेना दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। या द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन थे? अभी जो 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकों के बारे में पढ़ा रहा था, उसमें पढ़ाया था असबाब ए बगावत ए हिंद, जिसके लेखक हैं सैयद अहमद खां, और उसी किताब को द कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857 कहा गया। तो द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक कौन है? सैयद अहमद खां। कौन है?
सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद सैन्य सुधार के लिए किस आयोग का गठन हुआ? अभी हमने बताया था किस आयोग का, पील कमीशन या पील आयोग का, जिसके बाद अंग्रेजी सेना में औसत को 2:1 कर दिया, दो भारतीय सैनिक रहेंगे और एक अंग्रेज सैनिक रहेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, इन प्रश्नों का संग्रह बनाते रहिएगा। 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमने आपको बताया था 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामर्स्टन। कौन था? पामर्स्टन था, विश्वकांत पामर्स्टन। अगला पॉइंट, असम में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उसी चार्ट में था, असम में इस विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त, कंद परेश्वर और पियाली बरुआ ने किया था। लेकिन मनीराम दत्त जी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व असम में किसने किया, तो आप पहले किसको देखेंगे? मनीराम दत्त को। बस और 2 मिनट लूंगा, कुछ प्रश्न है आपके लिए आवश्यक है, ये आते हैं। झांसी में प्रारंभिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये जब मैं कल आपको वो चार्ट समझा रहा था तो वहीं पर बताया था, वो जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? काले खां थे। ये भी प्रश्न हमने बनाया है, हो सकता है संभवतः आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि जीएस का कोई और छोर नहीं होता है। अगला सवाल, इस विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, मंडी परिषद में आया था लेकिन हिंदी के रूप में पूछा गया था। तो इस विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी थे मिर्जा गाली, जो कि कहां मौजूद थे? दिल्ली में, जब मेरठ की पैदल टुकड़ी ने दिल्ली पर कब्जा किया था। और मिर्जा गालिब का जन्म कहां हुआ था? आगरा में हुआ था। और यही प्रश्न मंडी परिषद में आया था, हिंदी से लेट करके पूछा था कि मिर्जा गालिब का जन्म कहां हुआ था, तो कहां हुआ है? आगरा में। अगला प्रश्न, यस ये देखिए, ये प्रश्न आईएएस बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, UB SSSC सब में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही टिपिकल लाजवाब, सबसे पहले आईएएस में आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तथा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट किसके शासन काल में और कब पारित हुआ? तो ये 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था। ठीक, कब पारित हुआ? 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में यह पारित हुआ। अगला प्रश्न, बस 2 प्रश्न या 3 प्रश्न और होंगे, बस खत्म। कानपुर की किस नर्तकी ने अंग्रेजों से लोहा लिया? लोहा ही नहीं कि ये लोहार थी, नहीं, अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। अब देखिए, सराय नरसिम्हा रेड्डी मूवी आई थी अभी हाल फिलहाल में, जिसमें वो चिरंजीवी थे, अमिताभ बच्चन भी थे, जिसमें दिखाया गया था कि जो तमन्ना भाटिया थी, उनका नाम शायद याद नहीं आ रहा, तमन्ना भाटिया जो नाचते नाचते अपनी साड़ी में आग लेकर पूरा विस्फोट करवा देती हैं अंग्रेजों के पास, और वही नहीं, वो नाटक के माध्यम से लोगों को अपने देश के प्रति प्रेरित करती थी और अंग्रेजों की हकीकत बताती थी। तो उसी प्रकार उन्हें ये जो नर्तकी है, यही रोल उस मूवी में लिया गया है। तो इस समय जो था कि इस विद्रोह के समय जिसने वह नर्तकी को, नर्तकी माने ये मत समझिएगा कि डांस करने में, नहीं, पहले के नर्तकी ऐसे होते थे जैसे नौटंकियां गांव में होती थी, जो हमारे संस्कृति और कल्चर से हमें परिचित कराते थे, उसी प्रकार पहले नर्तकी होती थी जो अपने देश की सभ्यता से लोगों को परिचित कराती थी और इनको जागरूक करती थी और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने की शक्तियां देती थी। तो जिस नर्तकी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था उसका नाम था अजीजन बाई। क्या नाम था? अजीजन बाई। इस बात को ये दावे के साथ गौरव पांडे कहता है कि 95% लोग इस ऑल ओवर इंडिया में नहीं जानते होंगे, 95% लोग नहीं जानते होंगे कि किस नर्तकी ने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था, तो उसका आंसर होगा अजीजन बाई। अगला जो प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न है, अक्सर बन जाता है, किस अधिनियम से अंग्रेजों की शक्तियां कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई? तो वो था 1858 का अधिनियम, और इसी के बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा
और भारत का जो आखिरी गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, और जो प्रथम वायसराय था वो भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो ये था पिछले तीन क्लास में 1857 का विद्रोह। ठीक, देखिए दोस्त, ये तीन क्लास आपको पढ़ाने में ये मत सोचिएगा कि लेंदी हो रहा है, लेंदी कोई चीज नहीं है, ये मूवी नहीं चल रही है। एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया था, एक लोगों को, एक जन ने कहा वीडियो बहुत लेंदी होता है, तो उन्होंने कहा ये मूवी नहीं है सर, इसको थोड़ा शॉर्ट में नहीं देख सकते। समझिएगा, मेरा एक ही पॉलिसी है, हमारी एक ही टेंडेंसी है कि एक बार अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं तो उसको इतनी किताबों से, इतनी मेहनत से पढ़ लूं कि दोबारा उस पर टाइम ना वेस्ट करूं। तो ये था आपका 1857 का विद्रोह, और आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, प्रश्न लिख लीजिएगा, और जो भी समझ में ना आए वो पूछिएगा, जरूर मैं आपकी मदद करूंगा। बाकी एक बात हमेशा कहूंगा, सेहत का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपके सर सेहत का ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, तब आज मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप भी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, कांग्रेस के साथ। हम आपको ये जनजाति विद्रोह और उसके बाद छोटे छोटे जो धर्म धार्मिक सुधार संगठन है इनको अलग से रिलेट करके पढ़ाएंगे। तो कल अगले टॉपिक में हम कांग्रेस प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सेहत का ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।